नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र धाकड़ स्वागत करता हूँ आपका फ्लाई अकेडमी भोपाल में। और आज हम महात्मा गांधी पर संस्कृत में निबंध पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपितु महात्मा ने गांधी महोदयस्य प्रतिनिधि भारतम स्वतंत्रम जातम। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के वजह से ही, उनके प्रयत्नों की वजह से भारत स्वतंत्र हुआ है। तस्य महान उपकार देशोपरि भवन्ते। उनके ये महान उपकार हमारे लिए देशोपरि है। स्वतंत्रता संग्राम में पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद पटेल, आज़ाद बोस आदि नेता है, तस्य सहायक आसन। स्वतंत्रता संग्राम में पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आज़ाद जी और बोस, सुभाष चंद्र बोस जी जैसे नेता उनके सहायक थे। गांधी एवं देशम स्वतंत्र विधाय अत्र प्रजातंत्र शासन स्थितवान। गांधी जी ने हमारे देश को स्वतंत्र कराया और वहाँ पर प्रजातंत्र यानी कि डेमोक्रेसी वाला शासन स्थापित किया। महात्मा गांधी हरिजन, नवजीवन इत्यादि मातृभाषा समाचार पत्र, यंग इंडिया, आंग्ल समाचार पत्र एवं देशम शिक्षितवान। महात्मा गांधी ने हरिजन, नवजीवन आदि जैसे हमारे मातृभाषा में जो समाचार पत्र चलाए, साथ में यंग इंडिया नाम से एक अंग्रेजी में पत्र चलाया जिससे हमारे देश को शिक्षित किया। प्रथम कयम देश अंग्रेज शासन काले शासन आसीत। पहले हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। महता प्रत्यन अनेकाशाम देशभक्तनाम बलिदान द्वितीय महायुद्धस्य प्रभावन बहुनाम देशनाम परामर्शन चायम देश स्वतंत्र जाता। हमारा जो देश है बहुत सारे प्रयत्नों से, अनेक देशभक्तों के बलिदान से, इन सब से द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव कारण बहुत सारे चीज़ों के होने के बाद, बहुत सारे देशों परामर्श के बाद हम देश स्वतंत्र हो पाए। अश्य महापुरुष से जन्म अतः दशकादि शतवर्ष पूर्व देशों गुजरात प्रांत पोरबंदरम जातम। हमारे महान पुरुष महात्मा गांधी जी का जन्म दशकादि शतवर्ष पूर्व देशस्य मतलब हमारे देश में 1800 में गुज्जर प्रांत पोरबंदर में हुआ था। अक्टूबर मासस्य द्वितीय तिथि अस्य जन्मदिन अस्ति। अक्टूबर के 2 तारीख को इनका जन्मदिन होता है। स्वतंत्रता प्राप्त नेत्रम यति स महात्मा अजीवस्य तदा देश उन्नतिम अकृष्यति। स्वतंत्र प्राप्त करने के बाद महात्मा जी हमारे लिए आज भी जीवित हैं और उनकी वजह से हमारा देश उन्नति और तरक्की कर रहा है। तो गाइस, ये था महात्मा गांधी जी के ऊपर संस्कृत में निबंध। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।